3, 2, 1। आराधनालय का अगुआ यीशु के पांवों में गिर पड़ा। मेरी छोटी सी बेटी मर रही है। वो रोया, अगर तुम उस पर अपना हाथ रखो, मैं जानता हूँ कि वो चंगी हो जाएगी। भीड़ में से रास्ता बनाते वो याईर के घर से आए कुछ मनुष्यों से मिला। तेरी बेटी तो मर चुकी है, उन्होंने कहा। मत डर, यीशु ने कहा, विश्वास कर तो तेरी लड़की चंगी हो जाएगी। वो याईर के घर पहुंचे और लोगों को रोते हुए वहां पाया। तुम क्यों रो रहे हो, यीशु ने पूछा। लड़की मरी नहीं है, वो केवल सो रही है, लोग उस पर हंसने लगे। यीशु और उसके तीन शिष्य पतरस, याकूब और यूहन्ना याईर और उसकी पत्नी के साथ घर में गए। छोटी लड़की वहाँ पर लेटी हुई थी, ठीक वैसा ही जैसा प्रत्येक ने कहा था। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा, तब उसने कहा, हे लड़की उठ, और वो उठ गई। वो यहाँ तक कि पूरे कमरे में चली भी। याईर और उसकी पत्नी अचंभित हुई। यीशु ने उन्हें बताया कि किसी को मत बताए कि उसने क्या किया है। अब यीशु ने कहा, मैं सोचता हूँ कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाना चाहिए।